Today in this video, where I will show you NICN Assistant Pre-Phase 1 State Wide Cutoff 2024. तो सिंपली गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है जो NICL असिस्टेंट प्री फेस वन के स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में यहां पे जो है मैं रिसेंट कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और आफ्टर दैट प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। तो गाइस मैंने जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो क्रिएट किया था, तो इस वीडियो में जो कमेंट आए थे, इस कमेंट में पूछा जा रहा था कि आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताइए। तो गाइस जो प्रीवियस ईयर आ, कई लोग तो थिंकिंग कर रहे थे 2022 का प्रीवियस ईयर, लेकिन जो जो है प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ था गाइस, तो जो कट ऑफ रिलीज किया गया था वो 2017 में जो है रिलीज किया गया था। फिर उसके बाद जो है वैकेंसी भी नहीं आई ना तो इसका कट ऑफ आया, तो इस बार जो है 2024 में इसकी वैकेंसी आई है, तो इसका कट ऑफ भी जो है जल्दी आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं जो डिस्कस करूंगा वो एक्सपेक्टेड में डिस्कस करूंगा, कोई कॉन्स्टेंट में नहीं डिस्कस करूंगा, यानी कि एक अनुमानित कट ऑफ है वैकेंसी के अकॉर्डिंग से। क्योंकि 2017 में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कट ऑफ देख पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो है इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था, इसकी वजह से इसका कट ऑफ जो है बहुत कम गया है। लेकिन इस बार जो है इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है स्टेट वाइज में, कि इसलिए इसका कट ऑफ जो है इसके कंपेयर में कट ऑफ हाई गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ की एनालिसिस किया है और साथ में जो है रिसेंट कट ऑफ के देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है एनालिसिस किया है। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की अगर बात करूं इसके जो कंपेरिजन में, तो एमपी में जो है 66.25 गया था प्रीवियस में, तो रिसेंट में जो कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड में 72.75 तक जा सकता है मध्य प्रदेश के लिए। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें जो है 65 से 75 तक इसका जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फिर रिसेंट की बात करूं तो इसका जो है 70 से 74 तक इसका जा सकता है। फिर जो है एमएच में 61 से, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी आई है वो 500 के समथिंग जो वैकेंसी आई है, कर एमएच में 61.25 यानी कि महाराष्ट्र में जो 2017 में इसका जो है कट ऑफ गया था, तो इस बार जो है 69 से 73 तक रिसेंट में कट ऑफ जा सकता है 2024 में। राजस्थान की बात करें तो इसमें जो है 66.50 कट ऑफ गया था, तो रिसेंट में 71.74 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। और आफ्टर दैट जो है असम के लिए 57.5 कट ऑफ गया था 2017 में, तो रिसेंट में 68.73 तक इसका जो है कट ऑफ जा सकता है। फिर जो है बिहार की बात करूँ तो बिहार में 64 कट ऑफ 2017 में गया था, तो रिसेंट में जो कट ऑफ जा सकता है 72 से 73 तक 2024 में जा सकता है। और ओडी में यानी कि उड़ीसा में जो है 63.25 कट ऑफ गया था, तो इसमें जो है 2024 में 73 से 74 तक इसका कट ऑफ जो है जा सकता है। जो है छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 63 कट ऑफ गया था 2017 में, तो 2024 में कट ऑफ जा सकता है 70 से 73 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। फिर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है 2017 में 66 कट ऑफ गया था 2017 में, तो 2024 में जो है 70 से लेके 75 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। फिर हम जो है यहाँ पे हो गया, फिर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे जो है 2017 में 63.50 कट ऑफ इसका गया था, 2024 में जाएगा 73 से 78 तक इसका कट ऑफ प्राइस जा सकता है। फिर हम जो है गुजरात के लिए बात करें तो गुजरात में जो है 60.50 से जो है 74 जो है ये गया था 2017 में कट ऑफ गया था, तो 2024 में 74 से 76 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। हरियाणा में 66.50 कट ऑफ 2017 में गया था, तो 2024 में 71 से 78 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। अब फिर हम बात करेंगे जो है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि कई सारे मेरी वेबसाइट पे भी कमेंट आया था कि सर जो है अगर स्टेट वाइज अगर कट ऑफ बता देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि चैनल पे जो है स्टेट वाइज कट ऑफ जो है किसी ने बताया भी नहीं कि स्टेट वाइज कट ऑफ 2024 में एक्सपेक्टेड में कितना तक जा सकता है। तो इसलिए गाइस मेरे को वीडियो क्रिएट करना पड़ा क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 63.50 जो है प्रीवियस में कट ऑफ गया था, तो आफ्टर द रिसेंट कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो जाएगा 2024 के लिए 72.76 कट ऑफ इसका जा सकता है। फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है 53.25 गया था 2017 में, तो रिसेंट का कट ऑफ जो है 65.70 तक इसका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि 2017 में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा कम कॉम्पिटिशन थे, वहां पे फॉर्म जो है बहुत कम बंदे अप्लाई किए थे, वैकेंसी भी जो है क्योंकि उस टाइम मेन पर्पज है कि कंपटीशन कम था। देखिएगा जहाँ कंपटीशन कम है तो वहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है तो वहाँ की कट ऑफ जो ज्यादा जाएगी, जैसे कि महाराष्ट्र की कट ऑफ जा सकती है हाईएस्ट में, यूपी जा सकती है क्योंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन है कुछ ज्यादा है और साथ में जो है वैकेंसी भी जो है ये सारे स्टेट में अक्सर ज्यादा निकलते हैं। फिर जो है झारखंड की बात करें तो 61 कट ऑफ
गया था, तो 2024 में 66.72 तक इसका कट ऑफ जो है सिंपली जा सकता है। और जो कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे 58.75 इसका जो है प्रीवियस का कट ऑफ गया था, तो रिसेंट का कट ऑफ जो है 68.71 तक कट ऑफ 2024 में जा सकता है। और 2017 में जो केरला की बात करें तो 69.50 कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि वहां पे जो कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो इसका जो हाई कट ऑफ बनेगा। तो रिसेंट का 2024 कट ऑफ 75 से 80 तक इसका सभी जा सकता है। तेलंगाना का जो कट ऑफ है और 66 जो है प्रीवियस कट ऑफ जा सकता है, तो रिसेंट कट ऑफ जो है 2024 का कट ऑफ जो जाएगा 75.79 तक इसका कट ऑफ जो है 2024 में जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रीवियस कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया, फिर रिसेंट कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि जो कई सारे बंदे पूछ रहे थे कि जो है रिसेंट कट ऑफ के बारे में बताया, यानी कि जो करंट का कट ऑफ जो है स्पेशल रिलीज होगा 2024 के लिए एनआईसीएल असिस्टेंट S1 के लिए, वो स्टेट वाइज अगर बता देते बहुत अच्छा होता, क्योंकि स्टेट वाइज कोई वीडियो अभी तक कोई यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को वीडियो क्रिएट करना पड़ा। तो सो गाइस अगर आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।